भैया जयेश, अपनी पुरानी मेम साहब के यहाँ हमारे काम की जरा बात करो ना। दो ही दिन में भाग जाओगे भैया? कैसे कैसे झिला है मैंने उसको। बहुत भगाती है साली, जब घर में काम नहीं होता है ना तो बच्चा थमा देती है मुझको। बच्चे को हम संभाल लेंगे भैया, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। 2 महीने से बैठा हूँ, खाने के बांधे हैं। अरे यार, तू चिंता काई को कर रहे लाए, अपुन ये घर छोड़ के जा रहे लाए। तू आके लग जा इधर, मेम साहब तो बढ़िया है मगर वो साला बुड्ढा खड़ूस दिन भर दिमाग खराब कर देता है। इधर आओ उधर जाओ, दिमाग पका के रख दिया है। अरे भैया, बड़ी किस्मत से अच्छा घर मिलता है। भैया किस्मत तो इसकी अच्छी है ना, ये उन्हें छोड़ता है और ना वो इसे छोड़ते हैं। अब क्या हाल है राजू भैया? अरे गांव से कोई चिट्ठी पत्री आई का नहीं? चिट्ठी पत्री तो आई नहीं। हाँ यार बैठ। नहीं, मालकिन को काम पर जाना है और साहब को नाश्ता भी देना है। वो जो तुम्हारे कुछ नहीं है उनकी बड़ी चिंता है, और वो तुम्हारी अंधी माँ जो बिना ऑपरेशन के घर बैठी है, 25 साल की जवान बहन कुमारी घूम रही है, उनकी कोनो चिंता नहीं है का? लेकिन कलन भैया, ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? ये लो, सोने की खान में बैठा है और पूछता है सोना कहाँ से लाऊं? अरे मूरख, तेरे को पैसों की क्या कमी है? बस तू हमारा जरा सा साथ दे दे तो तेरी माँ की आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तेरी बहन की शादी भी हो जाएगी। पर मुझे क्या करना होगा? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो हम करेंगे, बस तू हमारा जरा सा साथ दे दे। बस इधर आ, बताता हूँ। ओके बाय। ये क्या डालिंग, डोंट वरी आई ट्राई टू कम अर्ली। ओके राजू। जी मैम साहब। हाँ, तुम 2 स्लाइस में बटर लगाकर गर्म दूध के साथ सांप को दे देना। ओके जी मैम साहब। ओके डार्लिंग बाय। राजू। जी मालकिन। हाँ, देखो मैं क्लिनिक जा रही हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और सांप का ध्यान रखना। अगर कोई अनजान आदमी आए तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। और सुन, रात में वो मोटी गिर गई बुड्ढे से टकरा के। कलन भैया, दरवाजा बंद कर देना। अरे रुको। अरे हाँ, चाबी कहाँ है? हाँ तो जल्दी कर। ये तो हम सबको पहचान गया। ये बुड्ढा हमको अंदर करवा दे। अबे का चिंता रहना हमारे ये फांसी का फंदा है। अबे कलन देखता क्या है, दबा गला इस बुड्ढे का। हाँ, ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अबे दबा कर, मैं कहता हूँ दबा। बाबूजी, ये क्या किया तुमने? तुमने तो कहा था से पैसे लेंगे, फिर ऐसा क्यों? मार दिया मेरे बाबूजी को। बाबूजी, राजू क्या हुआ इन्हें?
माफ कर दो मैडम। अपने बच्चे के जैसे पाला था मैंने, ऐसा क्यों किया तुमने? मैडम जो हो गया सो हो गया, इसे तो कानून ही सजा देगा। डॉक्टर का कत्ल किसने किया पता नहीं तो अंदर कर दूंगा, बहुत मारूंगा। अरे अंदर कर दूंगा, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया मुझे भी पैर पकड़ने को खाता था। कहाँ रहते हैं वो लोग? शायद वसई में रहते, कल्लन की वहाँ पे मौसी रहती है। वसई मोरे? जी साहब। अभी तक निकले नहीं होंगे, तुम दोनों इसको देखो। जी साहब। मोरे फॉलो मी। चल साले इधरा, देख इसको, ये देखने में कितना भोला है पर कत्ल किया है इसने। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में मीडिया की खबरों ने काफी कुछ उजागर किया है। बड़े उम्र वाले ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रवृत्ति का शिकार बनते जा रहे हैं। महानगरों में हुई हत्याओं में ज्यादातर हाथ बाल किशोरों के ही पाए जाते हैं। योर ऑनर, हमारे समाज और देश के भविष्य को लेकर ये बड़ा ही चिंता का विषय है। इस बच्चे को जरा गौर से देखिए, ऐसी भोली और मासूम सूरत वाला बच्चा एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे सकता है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन योर ऑनर, इस मासूम से दिखने वाले शैतान ने दौलत की लालच में अपने ही अपाहिज मालिक को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। योर ऑनर, इसे ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए जिसे देखकर दूसरे बाल अपराधी ऐसा अपराध करने की जुर्रत भी ना कर सकें। मिलॉर्ड, बस मुझे इतना ही कहना है। बचाव पक्ष के वकील को कुछ कहना है? जी हाँ योर ऑनर, मैं अपने फाजिल दोस्त की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि आज हमारे देश में बाल अपराधों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और इसके लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने इस अबोध बालक के लिए जो सख्त सजा देने की अपील की है वो बिल्कुल जायज नहीं लगती। योर ऑनर, अभी कुछ ही देर पहले मेरे फाजिल दोस्त खुद ये बयान दे चुके हैं कि ऐसा भोला भाला और मासूम बालक अपराध कर भी सकता है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विशेष दबाव और हालातों के तहत इसे उन बदमाशों का साथ देना पड़ा जिन्होंने इसके आश्रयदाता की हत्या की। योर ऑनर, उन शातिर बदमाशों के लिए इस मासूम बालक ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। सिर्फ दरवाजा खोल देने भर से इस मासूम बालक को अपराधी करार नहीं दिया जा सकता, वो भी एक ऐसा बालक जिसने कभी अपने माँ बाप का प्यार पाया ही ना हो। योर ऑनर, ऐसे परिवेश में पले इस बालक को कोई भी शातिर अपराधी बहला या फुसला कर बड़ी आसानी से किसी भी तरह का अनैतिक या आपराधिक कार्य करवा सकता है और निश्चित रूप से बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आज कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अपराधी चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। योर ऑनर, किसी बच्चों को अच्छे या बुरे काम के लिए उकसाना बड़ा ही आसान काम है। उन शातिर बदमाशों ने इस मासूम को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। असली गुनाहगार ये बच्चा नहीं, वो आवारा लड़के जिनका जिक्र कई बार ये बच्चा कर चुका है। योर ऑनर, कांटों की चुभन के डर से गुलाब के पौधों में खाद पानी देना बंद नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया तो फिर गुलाब कैसे खिलेंगे, फिजा कैसे महकेगी? नफरत अपराध से होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे मासूम बालक को एक अच्छा नागरिक बनने का अवसर प्रदान किया जाए और एक मुरझाए फूल को खिलने का मौका दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों के अलावा दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि असली कातिल वो बदमाश लड़के हैं। इस बच्चे को सिर्फ हथियार बनाया गया है, इसीलिए अदालत इस बच्चे को बरी करती है और आदेश देती है कि इस बालक को वैधानिक संस्था की देखरेख में रखा जाए जो इसकी पढ़ाई और रोजाना के खर्चे का वहन कर सके, अच्छा नागरिक बनने में मदद कर सके। दोषी कौन? दोषी कौन?